हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो आपका एकदम क्लियर है या नहीं है, आप तक ऑडियो वीडियो सही से पहुंच रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को, एनिमल किंगडम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग आर्थ्रोपोडा, जो थोड़ा एक दो पॉइंट्स रह गए होंगे शायद, उन्हें कंप्लीट करके और मॉलस्का को समझेंगे। ठीक है वंदना, वंदना ने बोल दिया है सब ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। चलिए तो हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें। तो हमने उसका हैबिटेट देखा कि हैबिटेट क्या हो सकता है भाई आर्थ्रोपोडेंस का, ये वाटर में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं। सिमेट्री बायलेटरल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके आगे अपने को पता है सबका ही जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हम फाइलम में काफ़ी एडवांस फाइलम तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी इनमें प्रॉपर है, सिलोम प्रेजेंट है, ठीक। और ट्रू सिलोम को यू सिलोम भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे इस पेपर में, ठीक है। तो सिलोम यू सिलोम और ट्रू सिलोम ये तीनों एक ही बात है, यानी सिलोम प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि भाई यू सिलोम भी टर्म सही है, ट्रू सिलोम भी, तो ये तीनों टर्म एक ही हैं, ठीक, याद रखें इसको। सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होता है। बॉडी फॉर्म हमने पढ़ा, बॉडी तीन रीजन्स में डिवाइड होती है, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। हेड पहली बार इनमें आया, ठीक है, सेफलाइजेशन बोलते हैं उस इवेंट को, ठीक है। बॉडी वॉल जो है वो कवर्ड है इनकी बॉडी विद द हेल्प ऑफ ए एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड चिटिन। देन बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिलोम है। उसके बाद हमने ये डायग्राम्स देखे थे जहाँ पे चिटिन की कवरिंग दिख रही है हार्ड, और ये डायग्राम में बॉडी के तीन रीजन्स दिख रहे हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। उसके बाद हमने इनका डाइजेस्टिव ट्रैक समझ लिया था अच्छे से पूरा, ठीक, कि इसके डाइजेस्टिव ट्रैक को तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट में, ठीक है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ लिया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले करते हैं मल्फीजियन ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स या कॉक्सल ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स या कॉक्सल ग्लैंड जो है वो एंटेना, यानी हेड में जो एंटेना रहता है उसके जस्ट नीचे इनका पोर रहता है, ठीक। देन इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में भी पढ़ लिया था कि ट्रेकियल सिस्टम है इसमें, ट्यूब वाला सिस्टम जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। देन गिल्स या बुक गिल्स होते हैं और बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। गिल्स या बुक गिल्स जो हैं वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडेंस में मिलेंगे और बुक लंग्स जो हैं वो टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोडेंस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि ये सिमिलर होता है इनका कैसे, एनालिट्स के साथ, ठीक है। और सेंस ऑर्गन में इनके पास एंटेना, आइज और स्टैटोसिस्ट हैं। आइज के लिए हमने डिस्कस किया था प्रॉपर कि कुछ ऐसे आर्थ्रोपोडेंस हैं जिनमें कंपाउंड आइज होती है और कंपाउंड आइज के अंदर एक आई लेंस ना होकर के बहुत सारे छोटे छोटे आई लेंस होते हैं, और जो विजन, वो विजन जो उनके अंदर होता है उसे हम बोलते हैं मोजैक विजन, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम की भी हमने शायद बात कर ली थी, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है कि इनका कैसा है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है, ठीक, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक। तो अभी हमें इतना ही पढ़ना है, डिटेल में हम लोग जब कॉकरोच डिस्कस करेंगे तब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देन इनके रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने बात कर ली थी,
इनके रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, सेक्सेस यूजुअली सेपरेट रहते हैं, यानी ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, मेल फीमेल में डिफरेंस होता है, ठीक है। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि मेल और फीमेल कॉकरोच में आप डिफरेंस बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेक्चर यहाँ से ख़त्म हुआ उसके 5 मिनट के अंदर ही अपने आंसर्स भेज दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने थोड़ी देर बाद भेजे थे, ठीक है, लेकिन कई बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके आंसर्स मेरे को नहीं मिले हैं, ठीक है, जिनके आंसर्स मेरे को नहीं मिले हैं। तो अब आप लोग इतने छोटे रह नहीं गए हो कि आपको हर बात पे प्रिक किया जाए कि ये होमवर्क करके लाना, ये होमवर्क दिखाना, ठीक है, ये नहीं, अभी आपको मैच्योरिटी के साथ अपने लाइफ को बनाना है तो आपको होमवर्क खुद ही करके दिखाना पड़ेगा, आपको किसी टीचर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग आज भी अपने आंसर्स सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिप्रोडक्शन के बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं तुमको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। इनमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, मैं नाम अगर ले लूँ तो एक इंसेक्ट है हनी बी, हनी बी आप सब जानते हैं, मधुमक्खी, हनी बी, इसके अंदर, हनी बी जो होती है ना, इसके अंदर जो फीमेल है, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो फीमेल है ये डिप्लॉइड होती है, बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट है, देखिएगा ध्यान से, और जो मेल बी है, ठीक है, और जो मेल बी है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, मेल इनका हैप्लॉइड होता है और फीमेल इनकी डिप्लॉइड होती है। तो जो फीमेल है ये जन्म लेती है या नई फीमेल प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो इट टेक बर्थ वाया प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे गैमीट्स फ्यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से फीमेल जो है वो जन्म लेती है। लेकिन जो मेल है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनता है, इसमें जो हनी बी का मेल होता है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनता है, क्योंकि आप खुद सोचो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर बना होगा तो उसमें जब गैमीट्स फर्टिलाइज करेंगे तो आपको पता है गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और अगर गैमीट्स फर्टिलाइज करेंगे तो भाई डिप्लॉइड कंडीशन यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही है। तो जो मेल है इट टेक बर्थ वाया अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से ये मेल बनता है और उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, टेक बर्थ वाया अ प्रोसेस कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस होता है बर्थ ऑफ यंग वन फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, या प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, बर्थ ना बोल करके, बर्थ जो है वो टर्म एप्ट नहीं है यहां पे, मैं बोल सकता हूं प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग, एग का मतलब है फीमेल गैमीट, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडन्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया, हनी भी उनमें से एक है, जिनमें पार्थेनोजेनेसिस नाम का प्रोसेस भी होता है, ठीक है।
पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो ये फीमेल गैमीट है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये फीमेल गैमीट है, जैसे मान लेते हैं कि ये फीमेल गैमीट है, तो कुछ फीमेल गैमीट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेचर ने एक ऐसी कैपेबिलिटी दी है, ठीक है, नेचर ने जिनके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी दी है कि अगर इस फीमेल गैमीट से मेल गैमीट फर्टिलाइज नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये फीमेल गैमीट बेकार नहीं जाएगा, ठीक है, तब ये फीमेल गैमीट बेकार नहीं जाएगा, उस समय पे नेचर का दिया हुआ एक वरदान इनके काम में आएगा, ठीक है। वरदान अगर हम बोलेंगे तो वरदान यानी कोई करेक्टर, करेक्टर का मतलब कोई जीन, ठीक है, तो नेचर ने इनको कोई ऐसा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन दिया है, ठीक है, जो ऐसी कंडीशन में ट्रिगर होगा जब ये फीमेल गैमीट मेल गैमीट से फर्टिलाइज नहीं कर पाई, ठीक है, तब नेचर ने इसको एक ऐसा जीन दिया है जिस जीन की वजह से ये जो फीमेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट विल स्टार्ट डिवीजन, ठीक है, विल स्टार्ट डिवीजन एंड फॉर्म, ठीक है, और वो क्या फॉर्म करेगा, ये फीमेल गैमीट फिर फॉर्म करेगा एम्ब्रियो, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा यंग वन, एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा यंग वन। तो इसी प्रोसेस को, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ऐसी कैपेबिलिटी हर किसी के फीमेल गैमीट में नहीं है, ठीक है, ऐसी कैपेबिलिटी हर किसी के फीमेल गैमीट में नहीं है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं और इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, तो अगर कभी भी फीमेल गैमीट से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बने और उनसे यंग वन बन जाए तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, तब उस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। और इस केस में ये जो यंग वन रहेगा ये कैसा रहेगा, हैप्लॉइड, क्योंकि ये किससे बना है, फीमेल गैमीट से बना है, और गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड, गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड, क्लियर। तो ये भी एक तरीका है रिप्रोडक्शन का कुछ इंसेक्ट्स में, कुछ आर्थ्रोपोडन्स में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल हनी भी उसके अंदर मेल में पार्थेनोजेनेसिस यानी मेल के डेवलपमेंट के लिए, मेल के प्रोडक्शन के लिए पार्थेनोजेनेसिस होता है, क्लियर। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो युक्ता मेल फीमेल कॉकरोच में डिफरेंस कैसे होगा ये आपको बताना है भाई पहले, ठीक है, और शायद आपने तो भेजा भी है तो उसमें से ठीक है आपका कई पॉइंट्स, ठीक, बाकी एक बार आप लोग सब लोग मेरे को भेज दोगे तो फिर मैं आपको ये डिफरेंस बता दूंगा, और वो डिफरेंस कहीं नहीं, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है वो डिफरेंस, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा माइंड दौड़ाना है कि कॉकरोच कहाँ पे है, तो वो कॉकरोच जहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है वहाँ पे आपको ये उसके बीच में डिफरेंस भी वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। संजना को दोबारा से समझना है, ठीक है संजना, बता देता हूँ आपको, ठीक, पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के नया यंग वन बनता है, ठीक है, और इस केस में होता क्या है पार्थेनोजेनेसिस में, जो फीमेल गैमीट है जिसे हम एग सेल बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट एक ऐसा कोई जीन है, स्पेशल जीन, ठीक है, जो ट्रिगर हो जाता है, कब ट्रिगर होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, ठीक, ट्रिगर होके उसने फीमेल गैमीट में डिवीजन स्टार्ट करवा दिए और डिवीजन की वजह से फीमेल गैमीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, ठीक, एम्ब्रियो फिर यंग वन बना देगा और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो एग्जैक्टली व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, तो ये डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक है, इट इज प्रोडक्शन ऑफ यंग वन फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, तो जो एग या फीमेल गैमीट फर्टिलाइज नहीं हो पाया जब वो यंग वन बना देगा तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। अब यहां पे आपके एनसीईआरटी का जो आर्थ्रोपोडा का सेक्शन है वो यहां पे आपके सामने है, ठीक, इसे मैं आपको रीड करूंगा, आप लोग अपनी बुक रीड करिएगा, ठीक है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा एक काफी इंपॉर्टेंट फाइलम है, इनसे क्वेश्चंस लगातार
बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और कितने में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ इतने में से, देखो सिर्फ इतने में से क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें और क्या क्या हम कवर कर चुके हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, ठीक है, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, तो इसमें इंसेक्ट भी आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो अर्थ में जितने भी स्पीशीज हैं, ठीक है, जिनका अभी तक क्या कर लिया गया है, नेम कर दिया गया है, तो जिनको अभी तक नेम कर दिया गया है वो 1.5 से 1.7 मिलियन के आसपास हैं वो स्पीशीज, इनको पूरा प्रॉपरली कर लिया गया है। तो अब समझो इनमें से 2/3 ऑफ दिस नंबर, ठीक है, इनमें से 2/3 क्या है, सिर्फ आर्थ्रोपोडेंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडेंस इंसेक्ट्स तो एक ब्रांच है इसकी, आर्थ्रोपोडेंस है। तो इतना बड़ा फाइलम है ये, ठीक। उसके बाद क्या बोला, दे हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्लियर है ये चीज। दे हैव बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड विद चिटिनस एक्सोस्केलेटन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन, उनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, शुरू में ही कर लिया हम लोगों ने। रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स क्या है, गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं या ट्रेकियल सिस्टम है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। सेंसरी ऑर्गेन्स में एंटेना है, आईज हैं, ठीक, आईज सिंपल भी हो सकती हैं और कुछ में कंपाउंड आईज भी होती हैं। स्टेटोसिस्ट है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गेन होता है, ठीक। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेल्फीजियन टिब्यूल्स, उसके अलावा मैंने आपको ग्रीन ग्लैंड्स और कॉक्सल ग्लैंड्स के बारे में भी बता दिया है। दे आर मोस्टली डाइशियस, डाइशियस कहने का मतलब क्या हुआ, सेक्सेस सेपरेट हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होगा, इंटरनल होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ये भी डिस्कस हो चुका है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ठीक है, दे आर मोस्टली ओवीपेरस, टर्म आया अभी अपने सामने ओवीपेरस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओवीपेरस में सबसे पहले अपने को दिख रहा है ओवा, ओवा का मतलब होता है एग, ठीक है, ओवा का मतलब होता है एग। तो ये जो एनिमल्स हैं ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स कैसे हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, ये अंडे देते हैं और अंडे से फिर इनका बच्चा बाहर निकलता है, ठीक। तो ये एग लेइंग एनिमल्स हैं और जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग क्या हैं, हम लोग डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, हम लोग अंडा नहीं देते ना, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, दे आर कॉल्ड विवीपेरस, ठीक है, दे आर कॉल्ड विवीपेरस। विवीपेरस में टर्म है विवो, विवो का मतलब होता है लिविंग बॉडी, ठीक है, विवो का मतलब होता है लिविंग बॉडी। तो ऐसे यंग वन जो क्या करते हैं, जो बर्थ देते हैं, ठीक, जो नए यंग वन को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, दे आर विवीपेरस, जैसे हम लोग हैं, और जो अंडा देते हैं उनको बोला जाता है ओवीपेरस। तो ये ओवीपेरस होते हैं मोस्टली, दे आर मोस्टली ओवीपेरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो कई ऐसे आर्थ्रोपोडेंस है, क्योंकि इतनी विशाल कैटेगरी है, बहुत लार्जेस्ट फाइलम है, यानी बहुत सारे इसमें मेंबर्स हैं, तो डाइवर्सिटी भी 100% होगी। तो कुछ ऐसे हैं जिनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है यानी लार्वल स्टेज नहीं होती, और कुछ ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई को आपको पता है, बटरफ्लाई का जो ये रहता है, क्या नाम है, लार्वा, उसे कैटरपिलर बोलते हैं। तो जैसे बटरफ्लाई है तो इसमें कैटरपिलर लार्वा है, ठीक। तो लार्वल स्टेज भी है कहीं में और कहीं में नहीं भी है, ठीक। अब एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स इन्होंने दिया है, कैटेगराइज किया है इंसेक्ट्स को, आर्थ्रोपोडेंस को, कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स बताए हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेन सम प्रॉफिट। जैसे उनमें से है कि एपीज, एपीज साइंटिफिक नेम है किसका,
हनी बी का, ठीक है, एपीज साइंटिफिक नेम है किसका, हनी बी का। एक प्रजाति इसकी है एपीज इंडिका, ठीक है, एक इसकी और प्रजाति है एपीज मेलीफेरा। ये दोनों हनी बी हैं, ठीक है, और इन दोनों हनी बी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, इन दोनों हनी बी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए, हनी बी हनी के प्रोडक्शन के लिए। और हनी के प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, हनी के प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। एपी मींस ये इससे आया है एपीस, इनका जो जीनस है एपीस उससे टर्म लिया है एपीकल्चर, जब हम हनी बी को डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। ठीक है, आगे देखें, एक और इंसेक्ट का नाम इसने दिया है बॉम्बिक्स। ठीक है, एक और इंसेक्ट का नाम है बॉम्बिक्स, पूरा नाम है बॉम्बिक्स मूरी। ठीक है, पूरा नाम है बॉम्बिक्स मूरी। तो बॉम्बिक्स मूरी जो है वो सिल्क वॉर्म है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, तो सिल्क वॉर्म है। दूसरा है लेसिफर, लेसिफर, लेसिफर लैका, लेसिफर लैका, ये लैक इंसेक्ट है। ठीक है, ये लैक इंसेक्ट है, इससे हम लोग लैक प्रोड्यूस करवाते हैं। लैक सुना होगा आपने, लैक को हिंदी में हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करके प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं लाख। ठीक है, लाख का आपने अगर ये वाला जो एक चूड़ियां बनती हैं वो लाख की बनती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप महाभारत वगैरह देखते होगे, देखा होगा कभी, तो उसमें एक लाख का महल बना दिया था उन लोगों ने, ठीक है, जहां उनको कैद कर दिया था ये लोगों को, ठीक, और उनको जलाने वाले थे, तो वो ही चीज़ है ये। तो वो जो लाख है वो प्रोड्यूस करता है ये इंसेक्ट। ठीक, तो इन इंसेक्ट्स को हम लोग अगर डोमेस्टिकेट करें और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर निकलवाए जाए, ठीक है, तो उनको हम बेच करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हो गए। फिर नेक्स्ट हैं वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हैं वेक्टर्स। अब वेक्टर यहां पे फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर्स कहने का मतलब है यहां पे व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स फॉर अदर। ठीक है, तो कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स इन पे सवारी करते हैं और पहुंचते हैं, और यूजुअली ये वेक्टर्स उन ऑर्गेनिजम्स की सवारी बनते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, जो डिजीज कॉज करवा सकते हैं। ठीक, जैसे एक वेक्टर है एनोफिलीज। ठीक है, एनोफिलीज वेक्टर, मक्खी का नाम आपने सुना होगा, ये मलेरिया फैलाती है। ठीक है, यानी ये मलेरिया कॉज करने वाले जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, मलेरिया कॉज करने वाला जो प्रोटोजोआ है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम को अपने अंदर लेके घूमती है। ठीक, और कट करेगी, बाइट करेगी और आपके अंदर ये प्लाज्मोडियम छोड़ देगी, प्लाज्मोडियम फिर आपको मलेरिया कॉज कर देगा। ठीक है, फिर है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मक्खी। तो क्यूलेक्स मक्खी जो होती है ये क्या करती है, ये एलिफेंटियासिस वाले यानी बुशेरिया वॉर्म को अपने अंदर कैरी करती है और फिर जाके ह्यूमन के अंदर छोड़ देगी। क्यूलेक्स मक्खी ये बुशेरिया यानी एलिफेंट फुट कॉज करने वाले वॉर्म को अपने अंदर लेके घूमती है क्यूलेक्स। एडीज इजिप्टीज, एडीज इजिप्टीज नाम का जो मच्छर है ये अपने अंदर लेके घूमता है चिकनगुनिया वाले उसको। ठीक है, तो चिकनगुनिया कॉज कराने में ये वेक्टर का काम करता है एडीज इजिप्टिस। ठीक, तो ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल्स। अब ग्रेगेरियस पेस्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट का मतलब है बहुत डिस्ट्रक्टिव पेस्ट। पेस्ट का मतलब ऐसे कीड़े जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पेस्ट का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब ऐसे कीड़े जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं इंसेक्ट्स विच हार्म क्रॉप, जो क्रॉप को हार्म करते हैं वो होते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट में है लोकस्टा यानी लोकस्ट। ठीक है, पेस्ट में है लोकस्टा यानी लोकस्ट, ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ये है। अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से कुछ लोकस्ट आए थे इधर इंडिया में,
ठीक है, तो ये वही है ठीक, जिनको टिड्डे बोला जाता है। तो ये सबसे ज्यादा हमारे क्रॉप को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो लोकस्ट ही होते हैं। बाद में लिविंग फॉसिल यानी एक ऐसी कैटेगरी जिसपे आने वाले ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स मर चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ ही प्रजाति बची हैं, तो वो है किंग क्रैब, लिमुलस जिसे बोलते हैं किंग क्रैब। आप बहुत बार आप देखते होंगे, क्रैब्स तो आपने देखे ही हैं ठीक है, अगर आप लोग सी फूड वगैरह कुछ खाते हो जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्रैब जानते हैं अच्छे से ठीक है। और उसी में क्रैब का बहुत बड़ा वाला आता है, उसको बोलते हैं किंग क्रैब ठीक। तो ये आपके हो गए कंप्लीट मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडन्स ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसी को मैंने क्या किया है, इसी के हर एक चीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये फाइलम अगर आप एक बार यहां से रीड कर लेंगे वो चीजें आपके दिमाग में चलेंगी, तो आप एकदम अच्छे से तैयार हैं ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपके सामने क्या है, तो ये आपके सामने एक इंसेक्ट है, सॉरी एक आर्थ्रोपोडन है ठीक, और इसे हम लोग बोलते हैं, व्हाइट से लिखता हूं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये है अपना सेंटीपीड ठीक है। ये क्या है, ये है सेंटीपीड, ठीक है, ये है सेंटीपीड ठीक। और इसके आगे के जो दो पैर होते हैं ठीक है, आगे के जो दो पैर होते हैं एकदम फ्रंट वाले जो दो पैर होते हैं ठीक है, उनमें होता है पॉइजन क्लॉज ठीक है, उनमें होता है पॉइजन क्लॉज, जिससे ये अपने इसके जो प्रिडेटर्स हैं उनको काट के भाग सकते हैं ठीक है, या किसी का शिकार भी कर सकते हैं ठीक। तो ये है सेंटीपीड, यहाँ ये कलर दिख रहा है, वो सेंटीपीड है, और इनमें होते हैं पॉइजन क्लॉज ठीक। तो इनमें क्या होते हैं, पॉइजन क्लॉज, आगे के जो दो पैर हैं ठीक है, उनमें होते हैं पॉइजनस क्लॉज ठीक, उनमें होते हैं पॉइजनस क्लॉज, ध्यान दीजिएगा। अब ये आया, ये है अपना मिलीपीड ठीक, ये क्या है, ये है मिलीपीड, ये मिलीपीड है, और इसमें पॉइजनस क्लॉज नहीं होते, ध्यान रखिएगा, इसमें पॉइजनस क्लॉज नहीं होते, तभी ये आदमी ने इसको ऐसे आराम से पकड़ रखा है ठीक है। ये है मिलीपीड ठीक, इसमें पॉइजनस क्लॉज नहीं होते, ये सब आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल हैं आपको मैं जो दिखा रहा हूं ठीक है, इसमें पॉइजनस क्लॉज नहीं होते हैं ठीक है, इसमें पॉइजनस क्लॉज नहीं होते हैं ठीक, एक पेयर ऑफ एंटेना प्रेजेंट है। फिर ये कुछ इंसेक्ट्स हैं ठीक है, ये कुछ इंसेक्ट्स हैं, ये बी है, ये बीटल है, वास्प है, लोकस्ट, ये टिड्डा ठीक है, ये एंट है, बटरफ्लाई, मस्कीटो और हाउस फ्लाई। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इंसेक्ट्स, तो आर्थ्रोपोडा की एक कैटेगरी है इंसेक्ट्स, ये उनको बिलोंग करते हैं ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स, फिर इसके बाद ये आप इसको तो जानते हैं, ये स्कॉर्पियन है ठीक है, बिच्छू, और ये है आपका स्पाइडर ठीक है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर है ठीक। तो ये सब कुछ आर्थ्रोपोडा में ही आ रहे हैं। देन ये है एक बहुत ही खास ठीक है, एक बहुत ही खास आर्थ्रोपोडा है ये ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीपेटस ठीक है, इसका नाम होता है पेरीपेटस ठीक, इसका नाम होता है पेरीपेटस, और इसको वॉकिंग वॉर्म भी कहा जाता है ठीक है, इसको वॉकिंग वॉर्म भी कहा जाता है। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, दोनों को जोड़ता है। इसमें आप देख रहे हैं जो इसकी बॉडी है वो वॉर्म के जैसी है ठीक है, जो बॉडी है वो वॉर्म के जैसी है, एनालिडा के जैसी है ठीक है, और जो इसका ये एंटेना है ये इंसेक्ट्स के जैसा है, आर्थ्रोपोडा के जैसा है ठीक है। तो इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा,
ठीक, पेरीपेटस, ठीक है, पेरीपेटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, और इसी को वॉकिंग वॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है, इसी को वॉकिंग वॉर्म भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई रेफरेंस बुक में मिलेगा और नीट के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। ये आपका है लिमुलस या किंग क्रैब, ठीक है, ये आपका है लिमुलस या किंग क्रैब, ठीक, ये उस सीधा है और ये उसको उल्टा करके दिखाया गया है, ठीक, ये आपका लिमुलस या किंग क्रैब है, दिस इज लिमुलस और किंग क्रैब, तो दिस इज लिमुलस और इसी को हम लोग बोलते हैं किंग क्रैब, ठीक है, ये सीधा है, ये उल्टा करके दिखाया है, क्लियर। देखो हालांकि जो अभी सेक्शन हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बट हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, कई बार नीट में ऐसे क्वेश्चंस एनिमल किंगडम से आते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, ठीक है, और वो ज्यादा फोकस आर्थ्रोपोडा पे ही करता है, ठीक। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूं इसके लिए, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इनको, इस फाइलम को कुछ क्लासेस में, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो एक क्लास इसमें है क्लास क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस, क्रस्ट का मतलब होता है हार्ड सरफेस, ठीक है, क्रस्ट का मतलब होता है हार्ड सरफेस, तो क्रस्टेशियंस में कुछ ऐसे आर्थ्रोपोडा होते हैं जिनके सरफेस हार्ड होते हैं, तो इनमें अपने पास रहेंगे प्रॉन्स हैं, ठीक है, इनमें अपने पास और लॉबस्टर्स हैं, तो जो अधिकतर जो सी वाले हैं वो इसमें कई बार आपको देखे जाते हैं, ठीक। फिर इसमें कैटेगरी होती है, क्लास होती है क्लास चिलोपोडा, ठीक, क्लास चिलोपोडा, और चिलोपोडा के अंदर आता है ऐसे एनिमल जिनमें फर्स्ट पेयर ऑफ लिम्स, जो पहले लिम्ब के पेयर हैं, दे बेयर पॉइजनस क्लॉज, ठीक है, उनमें पॉइजनस क्लॉज होते हैं, उनके पास ऐसे पंजे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, ठीक, चिलोपोडा। और यहां एग्जाम्पल आपको पता है क्या होगा, सेंटीपीड, ठीक है, क्या एग्जाम्पल होगा, सेंटीपीड। फिर आपका आता है डिप्लोपोडा, ठीक है, फिर आता है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में थोरैक्स का जो पहला सेगमेंट होता है, ठीक है, उनमें लिम्स नहीं होते, उसके बाद सभी में लिम्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद सभी में लिम्स होते हैं, अपने को उतनी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है मिलीपीड, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मिलीपीड। इसके बाद इसमें एक कैटेगरी है, एक क्लास है, विच इज इंसेक्टा। अब इंसेक्टा के बारे में आपको क्या ही बताया जाएगा, आपको पता है इतने सारे इंसेक्ट आप जानते हैं, बटरफ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, वो सब इंसेक्टा के मेंबर्स हैं, ठीक है, बटर कॉकरोच नहीं, कॉकरोच क्रस्टेशियन रहेगा, ठीक है, बटरफ्लाई, ग्रास होपर, ये सारे इंसेक्टा के मेंबर हैं। फिर एक कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं एरिकनिडा, ठीक, देन एक कैटेगरी है एरिकनिडा, एरिकनिडा स्पाइडर की कैटेगरी है, ठीक है, इसमें आपके आते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस, ठीक, इसमें आपके आते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। उसके बाद एक कैटेगरी है ऑनकीफोरा, ठीक है, एक कैटेगरी है ऑनकीफोरा, ऑनकीफोरा में आपके पास आ रहा है कौन सा, पेरीपेटस, ठीक है, ऑनकीफोरा में आपके पास आ रहा है कौन सा,
पेरीपेटस, पेरीपेटस के बारे में आप जानते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक होता है एनालिडा और किसके बीच में, आर्थ्रोपोडा के बीच में, ठीक। और लास्ट क्लास इसमें जो है दैट इज मीरोस्टोमेटा, दैट इज मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा के अंदर अपना आता है लिविंग फॉसिल दैट इज लिम्युलस या किंग क्रैब बोलते हैं जिसको, लिम्युलस या जिसे बोलते हैं किंग क्रैब, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ मेरे हिसाब से 7 कैटेगरीज होंगी जो आपको अगर हो सके तो धीरे धीरे करके याद कर लो, पहली, दूसरी चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, एरिकनिडा, ऑनकीफोरा एंड मीरोस्टोमेटा, ठीक है। बाकी फोकस एनसीईआरटी पे रखिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है। बाकी फोकस आप एनसीईआरटी पे रखिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइलम आर्थ्रोपोडा, अब एकदम कंप्लीट, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, दैट इज फाइलम मोलस्का, ठीक है। दैट इज फाइलम मोलस्का, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, इनकी जो बॉडी है बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक, एकदम सॉफ्ट होगी। आप पकड़ेंगे तो आपको काफ़ी ऐसा मज़ा आएगा कि यार हाँ कुछ सॉफ्ट सा पकड़ा हुआ है, वेलवेट वेलवेट टाइप का मज़ा आ रहा है, ठीक। अब एक इनके बारे में खास बात क्या है कि दे आर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट फाइलम कौन है? लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा और ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम जो कि सॉफ्ट बॉडीड है, ठीक है, समझिएगा। लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम के अंदर चिटिन की हार्ड कवरिंग है और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है उनको सॉफ्ट बॉडीड बनाया गया है, लेकिन उनको भी बचाएगा, ठीक है, देखिएगा आगे। इनका हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट इनका वाटर भी हो सकता है, ठीक है, और डैम्प सॉइल भी हो सकता है। डैम्प सॉइल का मतलब ऐसी सॉइल जो मॉइस्चराइज्ड हो, ठीक है, कि एकदम कीचड़ जैसी नहीं, कीचड़ से थोड़ी सी कम, ठीक है, मॉइस्चराइज्ड सॉइल, शेडी रीजन में पाई जाने वाली। देन इनकी सिमेट्री, सिमेट्री आप पता ही है, सिमेट्री क्या होगी? तो सिमेट्री बाइलेटरल है, सिमेट्री बाइलेटरल है। देन बॉडी कैविटी ऑफ कोर्स प्रेजेंट है, सिलोमेट है, ठीक है, बॉडी कैविटी ऑफ कोर्स प्रेजेंट है, सिलोमेट है। बॉडी फॉर्म, अब यहां पे होगा एक अच्छा खासा डिस्कशन, जो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। अब मैं एक बॉडी फॉर्म इनका बना रहा हूं, एक पिक्यूलियर बॉडी फॉर्म ऑफ ए मोलस्का, देखिएगा ध्यान से। तो इनकी बॉडी में एक ऐसी लेयर पाई जाती है जो और किसी एनिमल के अंदर नहीं है, ठीक, बताऊंगा मैं आगे चल के सारी चीजें। तो ये इनकी बॉडी की एक आउटलाइन है, ठीक है, ये इनकी बॉडी की एक आउटलाइन है और ये वो लेयर है, ठीक है, ये वो लेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं मेंटल, ठीक है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं मेंटल, MANTLE, मेंटल, ये लेयर कहलाती है क्या? मेंटल, ठीक। इसी मेंटल लेयर को कई जगह पे पैलियम भी लिखा होगा, ठीक है। और ये जो मेंटल लेयर है ये एक कैविटी को एनक्लोज कर रही है, भाई ये कैविटी, ये खाली जगह है और इस कैविटी को एनक्लोज क्या कर रही है? ये मेंटल लेयर। तो इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी,
ठीक है। तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। ध्यान से देखते रहिएगा, तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। तो सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, सब जगह से क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो इन ऑर्गेनिज्म में जिन्हें मोलस्का बोल रहे हैं, उनमें खास लेयर पाई जाती है, इसे बोलते हैं मेंटल, ठीक है। ये मेंटल एक कैविटी को, एक कैविटी को एनक्लोज कर रही है, दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में, इस मेंटल कैविटी में इनका फेदर लाइक गिल्स पाया जाता है, ठीक है। इनका फेदर लाइक गिल्स यहां पे पाए जाते हैं, ये फेदर लाइक गिल्स हैं इसके, जो हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में बाहर CO2 फेंकते हैं। तो ये फेदर लाइक गिल्स भी इन्हीं का स्पेशल फीचर है, तो वो इसी मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है, फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स वो यहां पे प्रेजेंट है, फेदर लाइक गिल्स, ठीक। अब देखते रहिए, इनमें यहां पे आगे की तरफ एंटीरियर पोर्शन की तरफ दो ऐसे स्टॉक होते हैं, जरूरी नहीं है सब में हो, बट कई में होते हैं, ठीक है। दो ऐसे ये स्टॉक होते हैं, और इन्हीं दो स्टॉक के ऊपर, इन्हीं दो ऐसे ब्रांच जैसे जो निकला हुआ आगे स्ट्रक्चर, इन्हीं के ऊपर इनकी आईज प्रेजेंट रहती है, इसके ऊपर इनकी ये आंखें प्रेजेंट रहती हैं, ये ठीक है। तो ये हैं इनकी दो आंखें, ये हैं इनकी दो आंखें, ठीक। और ये प्रेजेंट है किसके ऊपर, एक इस तरीके के आगे निकले हुए स्ट्रक्चर के ऊपर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ओमेटोफोर, ठीक है। जिन्हें हम लोग बोलते हैं ओमेटोफोर, पी एच ओ आर ई का मतलब क्या होता है, कोई ब्रांच, कोई स्टॉक। तो ब्रांच जिसके ऊपर आंखें हैं उनको बोला जाता है ओमेटोफोर, ठीक। इसके साथ ही इसमें आगे की तरफ उठे हुए दो और ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो टेंटेकल्स के जैसे होते हैं, ठीक है, जो कि टेंटेकल्स के जैसे होते हैं। तो ये टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर हैं, टेंटेकल्स नहीं है, ये टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर है। ये इनमें प्रेजेंट है, ठीक। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो देखते हैं, बताता हूं ये क्या चीज है। तो ये हैं इसके मस्कुलर फीट, ठीक है। ये क्या है इसके, ये हैं इसके मस्कुलर फीट, ये उसके मस्कुलर फीट हैं, ठीक है। ये इसके मस्कुलर फीट हैं, ये मसल के बने हैं, ध्यान से देखना आप, ये मसल के बने हैं। मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पास पास आएंगे, फिर मसल क्या करेगी, रिलैक्स, रिलैक्स करेगी, दूर, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो एक्चुअली में ये इस मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मस्कुलर फीट की वजह से आगे चलते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये इतने सॉफ्ट बॉडीड हैं कि इनको किसी से भी खतरा हो सकता है, ये इतने सॉफ्ट बॉडीड हैं कि इनको किसी से भी खतरा हो सकता है। तो इनको जो नेचर है, उन्होंने क्या किया है, इसके मेंटल को एक ऐसी बोलेंगे प्रॉपर्टी दी है कि वो अपने ऊपर कैल्शियम की एक कवरिंग, कैल्शियम की एक लेयर अपने ऊपर चढ़ा सकता है, ठीक। तो जो मेंटल है ये अपने ऊपर सेक्रीट करता है कैल्शियम की एक कवरिंग, ठीक है। ये जो मेंटल है ये अपने ऊपर सेक्रीट करता है कैल्शियम की एक कवरिंग, ठीक। ये अपने ऊपर सेक्रीट करके रखता है क्या, कैल्शियम की एक कवरिंग, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं कैलकेरियस शेल, ठीक है। ये अपने ऊपर एक कैल्शियम की शेल बना के रखता है, और ये इसे हम बोलते हैं कैलकेरियस शेल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कैलकेरियस शेल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकेरियस शेल।
तो मेंटल का काम आपने देखा, मेंटल का काम क्या है कि वो कैल्शियम की एक कवरिंग अपने ऊपर चढ़ाता है, ठीक है, और ये इस तरीके से इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है मेंटल, ठीक। अब देखना ध्यान से, ये जो हिस्सा है इसकी बॉडी का, ये वाला हिस्सा, ये उठा हुआ है, ठीक है, ये उठा हुआ है और उठे हुए यानी जी हम बोल सकते हैं कुबड़ के जैसा है, ठीक है। कुबड़ आपको पता है कई लोगों के यहां पे पीछे की साइड पे ऐसे उठ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कुबड़, ठीक। उसी को इंग्लिश में बोला जाता है हम्प, ठीक है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम्प। तो ये जो हिस्सा है वो एक हम्प के जैसा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसका वो एक हम्प के जैसा है, ठीक। तो ये जो हिस्सा है इसका, ये एक हम्प के जैसा है, और इस हम्प के अंदर, ठीक, इस हम्प के अंदर इसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, इस हम्प के अंदर इसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, और इंटरनल ऑर्गेन्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं विसरल, ठीक है, विसरल या विसेरा, ठीक, विसरल या विसेरा, ये जो टर्म है ये यूज किया जाता है किसके लिए, ये यूज किया जाता है इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी के लिए, ठीक है। ये टर्म हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, या अपने बॉडी के अंदर या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है उसके लिए टर्म यूज करते हैं विसरल या विसेरा। तो ये जो हम्प है इसके अंदर इसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं विसरल हम्प, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विसरल हम्प, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विसरल हम्प, ठीक, क्लियर। अब बचा इसका माउथ पार्ट, ये रीजन, जो अब मैं इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट यहां पे आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक बन रहा है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अब आया ये इसका माउथ पार्ट, इसमें एक स्पेशल ऑर्गन है, डिस्कस होगा अभी, टेंशन मत लेना, आगे चल रहे हैं भाई। इसका ये सब फूड पाइप, वूड पाइप सब कुछ आया, ठीक है, स्टमक आ गया, स्टमक के बाद इसमें फोल्ड ट्यूब आ गई इंटेस्टाइन के फॉर्म में, और फिर ये निकल गई बॉडी से बाहर, ये फोल्डेड ट्यूब्स हैं इंटेस्टाइन के फॉर्म में, और ये बॉडी से बाहर एनस, ठीक, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ज्यादातर, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है, ये इसकी एलिमेंट्री कनाल है जिसमें स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ है। तो ये इसकी एलिमेंट्री कनाल है, ये इसकी एलिमेंट्री कनाल है पूरी, ये यहां से यहां तक, तो ये इसकी एलिमेंट्री कनाल है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये इसकी एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो इसका माउथ है यानी ये वाला रीजन, इसमें एक ये ऑर्गन है जिसको बोलते हैं रेडुला, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडुला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रेडुला, ये है रेडुला। ये जो रेडुला होता है ये इसके माउथ में फाइल के जैसा है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन है, ग्रेस्पिंग नहीं बोल रहा हूं, रेस्पिंग ऑर्गेन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन। व्हाट इज फाइल, फाइल क्या, फाइल यहां पे वो वाली फाइल नहीं बोल रहा जिसमें हम पेपर वगैरह लगते हैं, नहीं, फाइल का मतलब होता है, कई बार आपने नेल कटर देखा होगा, तो नेल कटर के बैक साइड पे उसमें एक घिसने वाला दिया रहता है कि नाखून हम घिसते हैं जिसपे, ठीक है, तो वो घिसने वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं फाइल, ठीक है। तो जो नेल कटर में घिसने वाला हिस्सा रहता है, जैसे अगर आप नेल कटर का एक सरफेस अगर ऐसे देखते हैं तो उसमें ऐसे एक घिसने वाला हिस्सा रहता है जिसके हेल्प, जिस पे हम नाखून को घिस के परफेक्ट करते हैं, स्मूथ करते हैं, तो वो हिस्से को हम बोलते हैं फाइल। तो ये होती है फाइल,
ठीक है, और घिसने वाले टास्क को हम बोलते हैं रैस्पिंग, ठीक है, घिसने वाले टास्क को हम क्या बोलते हैं, रैस्पिंग। तो इसके माउथ पे एक ऑर्गेन है रेडुला, जो जब खाना ये खाता है तो इससे घिसता हुआ खाना जाता है, जिससे वो खाना जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक होता हुआ निकल जाता है, ठीक। तो दैट इज रेडुला। तो ये इतना एक पिक्यूलियर बॉडी फॉर्म है मोलस्का का, ठीक है, ये पिक्यूलियर बॉडी फॉर्म है मोलस्का का, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल, जो और किसी एनिमल में नहीं है। ये मेंटल एक कैविटी को अनक्लोज करती है, जिसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। उसी मेंटल कैविटी में इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, जो कि फेदर लाइक गिल्स होता है, वो पाया जाता है, ठीक। ये मेंटल सेक्रीट करता है इसकी सॉफ्ट बॉडी के ऊपर कैल्शियम की एक शेल, जिसे हम बोल रहे हैं कैल्केरियस शेल। इसके एंटीरियर साइड में आएंगे तो दो बड़े बड़े ऐसे आगे निकले हुए स्ट्रक्चर हैं, जिसके ऊपर आईज प्लेस्ड हैं, उसे हम बोलते हैं ओमेटोफोर। इनमें टेंटेकल के जैसे भी स्ट्रक्चर हैं, टेंटेकल्स नहीं हैं। इनके पास चलने फिरने के लिए मस्कुलर फीट है, ठीक। फिर इनकी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर आप देखेंगे तो एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन प्रेजेंट है इसके माउथ में, जिसे बोलते हैं रेडुला, ठीक है। इतनी इसके जो बॉडी फॉर्म में जो हमने चीजें पढ़ी, उस पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके बॉडी फॉर्म में अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता दें। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से एक एक डायग्राम को आप लोग बनाइए नोटबुक में। डायग्राम्स फ्लो चार्ट से भरी हो आपकी अगर बायोलॉजी की नोटबुक, तो मतलब आप राइट ट्रैक में हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्लियर है ये इतना कॉन्सेप्ट आपको ना, ओके ओके बंदा, ठीक है। चलिए, तो कोई भी डाउट रहेगा पूछने में हिचकिचाइए नहीं, लिखिए 50 बार पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैंने एक मोलस्का का एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया है, ठीक है, और आपको इस जगह पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसके ये ऐसे दो स्ट्रक्चर से निकले हुए हैं, और यही दोनों स्ट्रक्चर क्या है भाई, यही तो ओमेटोफोर है, ठीक है, यही ओमेटोफोर है, ठीक, यही तो ओमेटोफोर है, और इसके ऊपर यहां क्या होगा, ये इसकी आंख होगी यहां पे, ये इसकी आईज होंगी यहां पे, ये देखो ये इसकी आईज है इधर, ठीक है, और ये ओमेटोफोर है, और ये जो ब्लर सी इसके ऊपर कवरिंग है, ये इसका कैल्शेरियस सेल है, और इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और जब ये इसे लगेगा कि अब इसे बाहर निकलना है, तो ये बाहर निकल के फिर से नया कैल्शेरियस सेल अपने ऊपर ओढ़ लेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में बात करें, तो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक यूजुअली कैसा होता है, कंप्लीट होता है। इसका डाइजेस्टिव ट्रैक यूजुअली कंप्लीट होता है, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यूजुअली कंप्लीट होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और क्या चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सेस सेपरेट हैं, ठीक है, सेक्सेस सेपरेट हैं, कुछ हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं, सम कैन बी हर्माफ्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ में डायरेक्ट भी हो सकता है और कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, यानी लार्वा भी बनता है।
तो क्योंकि अगेन बड़ा फाइलम है तो डाइवर्सिटी मिल रही है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन एग्जाम्पल देखते हैं, फिर वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, डाइजेस्टिव ट्रैक यूजुअली कंप्लीट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, सेक्सेस सेपरेट रहेंगे, कुछ हर्मोफ्रोडाइट हो सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अभी आप याद रखिए, आर्थ्रोपोडा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ ही तरह का डेवलपमेंट रहता है। ठीक है, अब ये आपके सामने इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज पाइला। पाइला को हम लोग एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। कई बार आप लोग जो ये सैंड है, मोरंग है, उसमें से आपको ये मिल जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर ये एक्चुअली ये मलस्का रहा करता था, जब वो इसको छोड़ के गया तो ये पानी से बह करके बाहर आ गया, और आप इसमें इसको कई बार उठा लाते हैं ना, बिन लेते हैं मोरंग से, वही है ये, इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं क्योंकि एक थोड़ा थोड़ा एप्पल के जैसा दिखाई देता है। फिर ये पिंक टटाडा है, ठीक है, दैट इज ये पर्ल ऑयस्टर है। ठीक है, ये पर्ल ऑयस्टर है और इसी से वी ऑप्टेन पर्ल, मोती। ठीक है, मोती इसी से ऑप्टेन होता है। ठीक, मोती इसी से ऑप्टेन होता है, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पर्ल जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं मैरी कल्चर। तो हम इसको मैरी कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मैरी कल्चर। ठीक है, मैरी कल्चर इज पर्ल प्रोडक्शन, मोतियों का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे। ठीक है, पर्ल प्रोडक्शन, मोतियों का प्रोडक्शन। तो इस तरीके की कैल्शेरियस सेल इसके अंदर होती है और ये इसके अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर रह रहे होते हैं, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, पाइला, एप्पल स्नेल, ये आपने कई बार इसको देखा है, बट ये नहीं देखा इसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, हो सकता है आपने कई बार देखा हो। ठीक है, फिर ये है कटल फिश, जिसे हम लोग सीपिया बोलते हैं साइंस में। ठीक है, सीपिया या कटल फिश, ये अब क्या ये फिश है? तो इट इज नॉट फिश, लेकिन नाम में फिश लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सारे फिशेस को एक जगह पे लिख करके याद करो जो एक्चुअली में फिश नहीं है, बट उन्हें हम फिश बोलते हैं। जैसे ये कटल फिश है, सीपिया, ये मोलस्का है, ये फिश नहीं है, लेकिन ये पानी में है और फिश के जैसी दिख रही है, इसलिए इसको बोल दिया कटल फिश। ठीक है, ये स्क्विड है। ठीक है, लोलिगो या स्क्विड, ठीक, ये भी पानी में पाया जाता है। देन ऑक्टोपस, जिसे हम बोलते हैं डेविल फिश। ठीक है, ये है ऑक्टोपस, जिसे हम बोलते हैं डेविल फिश। ऑक्टोपस, ऑक्टो मतलब एट, तो इसके एट पेयर ऑफ लेग्स हैं, इसके एट पेयर ऑफ लेग्स हैं, और ये लेग जो होते हैं ये इसके सर से निकले होते हैं। ठीक है, ये जो इसके लेग्स हैं, ये जो इसके फीट हैं, ये इसके सर से निकले होते हैं। ठीक, तो ये करेक्टराइज है विद द प्रेजेंस ऑफ एट फीट अराइजिंग फ्रॉम इट्स हेड। ठीक है, इसके सर से आठ फीट निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि सर में फीट है, ठीक है, क्योंकि सर में फीट है, इसलिए ये बिलोंग करता है कैटेगरी को जिसको हम बोलते हैं सिफेलोपोडा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिफेलोपोडा। सिफेलो मींस हेड, सिफेलो मींस हेड, पोडा मींस फीट। तो फीट क्योंकि सर में है, हेड से निकल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिफेलोपोडा। ऑक्टोपस के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे बाद में। देन ये है एप्लीजिया, जो कि सी हेयर, क्योंकि ये वैसा दिख रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं सी हेयर। ठीक है, क्लियर, इसको सी हेयर बोला जाता है, एप्लीजिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है डेंटेलियम। डेंटेलियम, इसको टस्क शेल बोलते हैं, इसको टस्क शेल बोलते हैं। ठीक, ये हाथी का जो दांत रहता है ना, वैसा शेल अपने अराउंड क्रिएट करता है, जैसा हाथी का दांत रहता है वैसा शेल अपने अराउंड क्रिएट करता है, इसलिए इसको टस्क शेल कहा जाता है। डेंटेलियम इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, फिर ये चिटॉन है या चेटोपोर प्लूरा,
ऐसा इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है जो चिटिन को रिजेंबल कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं चिटॉन, क्योंकि ये हार्ड सरफेस होता है इसका, लेकिन है ये मॉलस्क। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से हमने मॉलस्का में आने वाले सभी एग्जांपल्स को देखा अच्छे से। तो क्लियर हो गया मॉलस्का कंप्लीटली। मॉलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, लेकिन सॉफ्ट नहीं है क्योंकि इनके ऊपर एक कैल्शेरियस सेल ये चढ़ा लेते हैं, ठीक है, अपने प्रे वगैरह से, प्रीडेटर वगैरह से बचने के लिए। ठीक, क्लियर हो गया आपको यहां तक। डेंटेलियम जो जिसका शेल कैसा दिखता है, हाथी के दांत के जैसा दिखता है। केटोप्लोरा या चिटॉन जिसका सरफेस हार्ड दिखता है, इसलिए इसको चिटॉन बोला जाता है, चिटिन के ऐसा हार्ड दिख रहा है। डेविल फिश, ऑक्टोपस, ऑक्टो मीन्स एट, इसमें 8 फीट होते हैं जो इसके सर में से निकलते दिखाई देते हैं। ये हेयर के जैसा, एच ए आर ई, हेयर के जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको सी हेयर एप्लीजिया बोला जाता है। ये है सीपिया जो फिश के जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसको कटल फिश नाम दिया है। ये लॉलीगो स्क्विड, बहुत फास्ट रहता है ये भी। ये पाइला एप्पल स्नेल जो ये शंख जैसा स्ट्रक्चर अपने अराउंड बनाता है। ये पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर जो कि पर्ल बनाता है यानी मोती बनाता है, ठीक है, और उसको हम लोग मैरी कल्चर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ों को समझा, ठीक है, इन मोलस्का। अब तो ये बातें हो गई सारी मोलस्का के बारे में, बुकिश बातें। अब थोड़ी सी कुछ अमेजिंग विचित्र बातें करेंगे मोलस्का के बारे में, ठीक है। देखिए, देखो, मोलस्का एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें दो कैटेगरी के एनिमल्स हैं। एक कुछ मोलस्का ऐसे हैं जो बहुत ही स्लो हैं, लिथार्जेटिक हैं, एकदम धीरे 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 चलने वाले हैं, ठीक है। तो जो मोलस्का है बेसिकली, है ना, समझिएगा, इनमें बहुत ही स्लगिश एनिमल भी हैं, इनमें कुछ एनिमल एकदम स्लगिश हैं और कुछ एनिमल बहुत स्विफ्ट भी हैं, ठीक है, इनमें कुछ एनिमल काफी स्विफ्ट भी हैं। स्विफ्ट का मतलब बहुत क्विक टू मूव। तो इनमें दोनों वैरायटी के एनिमल हैं। सर्टेन एनिमल्स इन मोलस्का दे आर वेरी स्लगिश। स्लगिश का मतलब बहुत स्लो, इतना स्लो मूव करेंगे कि बोलते हैं कि ये ब्लेड की एज पे भी चल सकते हैं, ठीक है। सो दे आर, इट इज सेड दैट दे आर सच स्लो दैट दे कैन इवन मूव ऑन एज ऑफ ब्लड, एज ऑफ ब्लेड without getting cut, ठीक है, कटे बिना ये ब्लेड की एज पे भी चल सकते हैं। सोचो, इतने स्लो, इतने स्लगिश हैं, ठीक। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्नेल का, ठीक, इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्नेल। स्नेल बहुत स्लो होते हैं, आपने गार्डन में भी देखे होंगे स्नेल्स, उनको आप हाथ पे रखो, बहुत धीरे 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 चलेंगे। तो वो एक्टिविटी करने वाले एनिमल्स भी मोलस्का में है, ठीक है। और कुछ ऐसे मोलस्कंस हैं जो बहुत स्विफ्ट हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मोलस्कंस हैं जो बहुत स्विफ्ट हैं। स्विफ्ट में हम बोल सकते हैं ऑक्टोपस, ठीक है, स्विफ्ट में हम बोल सकते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत फास्ट होता है, ठीक है, एकदम फास्ट। तो दो एकदम अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स भी इसमें आते हैं। कुछ बहुत स्लगिश, एकदम स्लो 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 चल रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत स्विफ्ट एकदम फास्ट होते हैं, जैसे ऑक्टोपस, ठीक। अब देखो, बात हम ऑक्टोपस की कर रहे हैं, तो ऑक्टोपस में ना और भी कुछ अमेजिंग चीजें हैं। जैसे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक,
इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कॉमोफ्लेज। कॉमोफ्लेज में क्या होता है कि जो ऑक्टोपस है वो जिस जगह पे है उस जगह का कलर और उस जगह का टेक्सचर ले लेता है, ठीक है, उस जगह का कलर और उस जगह का टेक्सचर ले लेता है। यानी इसके बॉडी में सर्टेन पिगमेंट्स हैं, इसके बॉडी में सर्टेन पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। इसकी बॉडी में सर्टेन पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर, ठीक है। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये कलर्ड पिगमेंट्स हैं, ये कलर्ड पिगमेंट्स हैं और ये कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पिगमेंट कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑक्टोपस यहां पे है तो देखेगा ये शाइनी सरफेस है तो स्मूथ सरफेस है तो सबसे पहले वो अपनी स्किन को स्मूथ कर लेगा और ये काम करने में हेल्प करता है उसके अंदर प्रेजेंट मसल्स, ठीक है। उसके अंदर की मसल्स क्या करेंगी, इस तरीके से स्किन को फैलाएंगी कि स्किन एकदम स्मूथ हो जाए और वो देखेगा यहां कलर कैसा है, यहां का कलर है ब्लैक, तो क्रोमैटोफोर जो है उसके अंदर है वो उसको स्किन में फैल जाएंगे और सारे ब्लैक कलर के हो जाएंगे, ठीक। तो जब वो यहां आएगा ऑक्टोपस तो स्मूथ हो जाएगा और ब्लैक कलर का हो जाएगा और इस वजह से वो क्या हो जाएगा, वो छिप जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, वो छिप जाएगा और इसी को बोलते हैं कॉमोफ्लेज, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉमोफ्लेज। कॉमोफ्लेज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कॉमोफ्लेज का इस्तेमाल किया जाता है अपने दुश्मन से बचने के लिए, ठीक है, अपने दुश्मन से बचने के लिए, यानी जो उसको खाने आ रहा है उसको मारने आ रहा है उससे बचने के लिए और अपने शिकार करने के लिए भी। जैसे मिलिट्री आप जानते हैं, ठीक है, मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री की जो ड्रेस है, ठीक है, कई बार मिलिट्री वाले होते हैं वो किसी मिशन पे जा रहे हैं और उस मिशन में वो देख रहे हैं बहुत लंबी लंबी घास है वहां पे, तो वो क्या करेंगे अपने बॉडी में भी या अपने सर में ऐसे घास की टोपी पहन लेंगे, अपने हाथ पैर में घास लगा के चलेंगे वहां से, जिससे वो क्या हो जाए उस जगह के लिए जगह में एकदम छुपे छुपे निकल जाए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कॉमोफ्लेज, ठीक है। कॉमोफ्लेज क्या होता है, इट इज चेंज इन कलर एंड टेक्सचर ऑफ स्किन एंड टेक्सचर ऑफ स्किन फॉर द पर्पस ऑफ टू हाइड फ्रॉम प्रिडेटर्स, टू हाइड फ्रॉम प्रिडेटर्स, प्रिडेटर मतलब जो उसका शिकार करने वाले हैं, एंड ऑल्सो टू कैच प्रे, ठीक है, प्रे यानी कि जो इसका शिकार है, जो ये खाएगा, तो अपने शिकार को कैच करने के लिए और अपने शिकारी से बचने के लिए, दोनों के लिए ये अपने कलर और टेक्सचर को अपने इन्वायरमेंट के बेसिस पे चेंज करते हैं और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉमोफ्लेज, ठीक, इसको बोलते हैं कॉमोफ्लेज। तो ये कॉमोफ्लेज कर सकते हैं, ठीक, कॉमोफ्लेज करने में हेल्प करता है कलर चेंज करने में क्रोमैटोफोर्स और बॉडी का टेक्सचर यानी बॉडी का जो फील है, बॉडी रफ स्मूथ ऐसे बन सकती है, ठीक, तो वो चेंज करने के लिए मसल्स जिम्मेदार है। ऑक्टोपस के पास एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इंक ग्लैंड्स, जिसे हम बोलते हैं इंक ग्लैंड्स, ठीक। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसका प्रिडेटर इसके पास आता है तुरंत ये ब्लैक कलर की एक इंक जैसा पानी में छोड़ता है और जैसे ही वो ब्लैक कलर की इंक जैसा पानी में छोड़ेगा तो इसका प्रिडेटर जो वो घबरा जाएगा, ये क्या आ रहा है उसकी तरफ, ठीक है, और वो पानी एकदम ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाएगा और ये तुरंत उससे आगे निकल जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि बहुत फास्ट भागता है। तो इंक ग्लैंड भी इसके पास है, ये इंक ग्लैंड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, टू रन अवे फ्रॉम प्रिडेटर, ठीक है, टू रन अवे फ्रॉम प्रिडेटर। तो ऑक्टोपस में एक ये भी चीज प्रेजेंट है, इंक ग्लैंड्स, जिसकी हेल्प से वो अपने प्रिडेटर्स वगैरह से भाग निकलते हैं, क्लियर। तो ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं अबाउट द मोलस्का कि ये सॉफ्ट बॉडीड हैं लेकिन मेंटल एक इनके पास लेयर है जो इनकी बॉडी के ऊपर एक कैल्शियम की कवरिंग चढ़ा सकती है, ठीक है, कैल्शियम की लेयर चढ़ाती है जिसे बोलते हैं कैल्शेरियस सेल। ये कैल्शेरियस सेल अलग अलग शेप का हो जाता है और हमें मोरंग वगैरह में मिलता है जब ये उसको छोड़ के निकल जाते हैं उससे, ठीक।
मलस्का में दो तरह के एनिमल्स हैं, कुछ स्लगिश हैं यानी इतने स्लो हैं कि वो ब्लेड के एज में भी चल सकते हैं बिना कटे, और कुछ बहुत स्विफ्ट हैं जैसे ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में भी हमें कुछ स्पेशल तरह के करेक्टर्स दिखाई देते हैं जैसे कॉमोफ्लेज एंड इंक ग्लैंड्स। कॉमोफ्लेज क्या है, बॉडी के कलर और टेक्सचर को चेंज करना टू हाइड फ्रॉम द प्रीडेटर एंड ऑल्सो टू कैच द प्रे, ठीक है। इंक ग्लैंड्स क्या है, प्रीडेटर से बेसिकली भागने के लिए है, ठीक। आई होप आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ गई हैं। आई होप आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर क्लियर है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लियर है, ओके ठीक है। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में मैं ऑक्टोपस की ये दो प्रॉपर्टीज कॉमोफ्लेज और इंक ग्लैंड्स, ठीक है, कॉमोफ्लेज और इंक ग्लैंड्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और बहुत इंटरेस्ट लेके देखना क्योंकि बहुत अमेजिंग चीज है। आप समझ ही नहीं पाओगे कहां कहां ऑक्टोपस गया और किस तरीके से उसने कॉमोफ्लेज किया है, इंक ग्लैंड्स का इस्तेमाल कैसे किया है। वो सारी चीजें आपको एक वीडियो के मीडियम से मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा, वीडियो आपके सामने आएगा, मैं आपके सामने से चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए उस वीडियो को। Let's say you're a Cyania octopus and you don't care for the burgundy red color of your skin. How about something in a, oh, say, pale pink? No problem. Done. You just expand or shrink the millions of pigment cells, or chromatophores, in your skin to instantly change color. You can also use tiny muscles in your skin to change its texture. Now, a kind of snakeskin print might be just the thing for a fashionable octopus trying to blend in with the smart set. Fashionable and low-key. Off the radar of any hungry sharks passing by. Yet nobody here, just another rock formation. Once that danger is past, it's time for prey to become predator. Here's some remarkable close-up footage of a Cyania octopus going hunting. What are you looking for? Crustaceans and mollusks that are as good at hiding as you are. Well, almost. Here's a Cyania's eye view of a reef flat that seems like nothing but a couple of billion hidey holes. Of course, that's where your amazing tentacles come in handy. You literally feel your way across the cracks and crevices. Your suckers are so sensitive, you can actually use them to taste what you touch. Aha! You sense a meal. That means it's time to unfurl yourself like an exterminator's tent engulfing a termite-filled house. Your prey is trapped. Your grip is sure. Your arm tips go to work, flushing out bits of food and disappearing them into your maw. Until recently, no one knew what was happening underneath your web. Don't ask us how. But we're going to reveal your dining habits, Senior Cyania. Here's what's going on. This crab gets thrust into what's called your beak. Your bite has a little toxin, just enough to seal the crab's doom. Now that we know what's going on under that web, we don't ever need to see that again, do we?
तो अभी आपने एक वीडियो के को देखा जहां आपने अच्छे से कैमोफ्लेज और इंक ग्लैंड्स के बारे में समझा। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और ऑक्टोपस के बारे में और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लेक्चर को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, मोलस्का एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकाइनोडर्मेटा और हेमीकॉर्डेटा दोनों ही फाइलम को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। दोनों बहुत छोटे फाइलम्स हैं, ठीक है। और आपका जो जितना भी ये वाला है इनवर्टिब्रेट वाली चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिर्फ कॉर्डेटा, अच्छे से पढ़ना है कॉर्डेटा को क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को इधर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, लेक्चर में चीज़ों को समझा होगा। बाकी चीज़ों के साथ, बाकी अमेजिंग फैक्ट्स एंड डिस्कशन के साथ हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।